होते हैं महाराज, कुछ कंजूसी की हद ही पार कर देते हैं। एक घटना आपको सुनाऊं। एक व्यक्ति था, इतना कंजूस कि कभी भी जीवन में कोई दान पुण्य नहीं किया, जीवन में कभी गंगा स्नान तक नहीं किया, इतना कंजूस। तो उसके जो बच्चे थे बड़े परेशान हुए, पिताजी का जीवन बीत गया और पिताजी ने अभी तक दान पुण्य तक नहीं किया। तो बच्चों, जो चार बेटे थे उसके, उन चार बेटों ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि किसी ना किसी माध्यम से चलो पिताजी को हम लोग दान करवाते हैं। तो बेटों ने क्या किया महाराज, एक बोरी में अनाज भर के और उसी अनाज के बीच में कुछ पैसे रख दिए। बच्चों ने सोचा पिताजी से कह देंगे कि अनाज अन्न दान कर दो और उसी बीच में पैसा भी दान हो जाएगा, क्योंकि ये अपने हाथ से तो करने वाले नहीं है। पिताजी आए, बेटों ने कहा पिताजी ये आपके लिए हम लोगों ने अन्न इकट्ठा थोड़ा सा किया है और आप एक बोरी अन्न किसी ब्राह्मण को दान कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा, जीवन में कभी कोई पुण्य कोई दान पुण्य किया नहीं आपने। तो पिता ने कहा देखो कोई मतलब नहीं है, अभी थोड़ा सा तुम लोग और बड़े हो जाओ, स्टेब्लिश हो जाओ और पैसे कमाने लगो तो दान पुण्य किया जाएगा। बेटों ने बड़ी जोर जबरदस्ती की पिता के साथ, नहीं पिताजी आप दान कर ही लीजिए। अब बेचारा बाप गया, बोरी खोला और जब अनाज देखा तो कहा बताओ कितना बढ़िया चावल है, ये महंगा वाला चावल है, दान भी करना है तो यही चावल दान करोगे, अरे कुछ सस्ते वाले ले लेते। और महाराज धीरे धीरे हाथ बढ़ाते बढ़ाते उसका हाथ पहुंच गया बीच में, और जब बीच में पहुंचा तो बड़ी मोटी गड्डी निकली। तो गड्डी निकाला, अरे ये क्या है इतने सारे पैसे। बेटों ने कहा पिताजी आप अपने हाथ से एक रुपए तो किसी को दान कर नहीं सकते, तो हम लोगों ने यही योजना बनाई कि अब कब आप चल बसे, कोई ठिकाना नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने ये उपाय किया। अब जब देखा बाप ने खूब डांटा, खुद की कमाई तो है नहीं, हमने कमाया है तो बड़ा चले हो दान करने, खुद अभी दूध मुंह है बच्चे हो, अभी खुद कमाने का हुनर तो आया नहीं, जब खुद कमाना तो जो मन करेगा दान करना, डांट वांट के महाराज चला गया। संयोग से ऐसा हुआ कि एक हफ्ते बाद उसे निमोनिया हो गया, और जब निमोनिया हुआ 4-5 दिन के भीतर निमोनिया लेके पधार गए महाराज दानवीर। अब जब पधार गए तो बेटों ने कहा पिताजी तो चले गए, खैर कुछ दान भी नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं, इनका जो है अंतिम संस्कार हम लोग हरिद्वार में करेंगे और वहीं पर भंडारा करेंगे, सबको पवाएंगे तो शायद इनको मुक्ति मिल जाए। अब महाराज बेटे लेके चल पड़े शव को हरिद्वार के लिए प्रस्थान किए। चलते चलते जब रात हो गई तो एक धर्मशाला में बेटे रुक गए कि अब जब प्रातः काल होगा तब हम लोग चलेंगे। बेटे रुक गए, शव को वहीं नीचे उतार दिया। चलते चलते जब रात्रि में सभी ने विश्राम किया, शव बगल में पड़ा हुआ। अब उसी रात में महाराज एक शराबी आ गया, करते। अब उसने देखा तो उसे ठंड लग रही थी बड़ी जोर की। अब शराबी को शराब के नशे में क्या पता है क्या है सामने क्या नहीं है, वो तो कहीं भी गिर पड़ जाते। तो इसने देखा तब तक इसके पांव से वो शव टकरा गया। इसने देखा ये है क्या, वैसे जरा देखा तो जाए। तो इसने क्या किया कि उस कफन जो ऊपर से उड़ाया गया था उसको जब हटाया तो देखा ये व्यक्ति सोया पड़ा है, मतलब जो मृतक शरीर था। तो इसे लगा कोई सो रहा है, कह रहे मेरे रहते तू कैसे सोएगा। महाराज उस शव को ढकेल के फेंक दिया, मैं सोऊंगा यहां पे, आया है बड़ा राज करने। अब उस शव को फेंक करके अर्थी पर वही सो गया। सो के महाराज बढ़िया कफन ओढ़ लिया।
तो जब प्रातः काल हुआ तो जो बेटे थे, अब कोई ये थोड़ी देखेगा कि पिताजी इसमें है कि नहीं है, वो तो बांधा हुआ है, कौन देखने जाए। बेटे लेके चल पड़े महाराज, पहुंचे हरिद्वार। तो हरिद्वार जाने के बाद जब मुखाग्नि देने का समय आया और उसका मुख देखा, जब हटाया कफन तो ये उठ के बैठ गया। तो बेटों ने कहा तू कौन है? तो उस शराबी ने कहा तू कौन है? अब दोनों एक दूसरे से पूछ रहे तू कौन है, तू कौन है? तो बेटों ने कहा फिर अब अर्थी पर ये आया तो पिताजी कहाँ गए? तो इन सबों ने सोचा कि हो सकता है ये शराबी है, तो वहीं पर तो हम लोगों ने रोक रखा था, शायद पिताजी वहीं मिल जाएं। तो बेचारे बेटे फिर से वापस आए धर्मशाला में और आकर के देखा तो पिताजी लुढ़के पड़े हैं किनारे कहीं। अब पिताजी का फिर से शव उठाया और एक घोड़े को किया, घोड़े पर शव बांध दिया और बेटे घोड़े पर सवार होकर के चल पड़े। पिताजी को लेके चले हरिद्वार। घोड़ा महाराज चलते चलते वो भी दग गया। क्या हुआ? घुटनों के बल गिर पड़ा घोड़ा। उसके जैसे वो गिरा तब तक इसका जो बेटा था वो गिर पड़ा जमीन पर, और घोड़ा महाराज जैसे उठा पिताजी के शव को लेके भाग गया। अब वो घोड़ा जो था वो घर का ही था, तो उसे अपने घर की पहचान थी कि घर कहाँ है। अब पिताजी के शव को लेके भगा, पहुंचा घर पे, गांव पे। बेटों ने सोचा पिताजी तो हरिद्वार अब जाने से रहे, इन्होंने ऐसे कर्म ही किए थे कि इनको हम लाख पहुंचाने की कोशिश कर रहे पर ये पहुंचने वाले नहीं है। तो शव तो पहुंच गया। बेटों ने कहा चलो एक काम करो, अंतिम संस्कार हम लोग यहीं कर देते। अंतिम संस्कार महाराज गांव पे ही कर दिया। अब जो उनकी अस्थियां थी तो अस्थियों को फूल वूल डाल करके और एक मटके में रखा, और रख करके पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से कहा कि पंडित जी हम लोग तो हरिद्वार दो दो बार जाने का प्रयास किए, लेकिन आप ये 5,000 रुपये पकड़ो और 100 रुपये आपके घर पे भी अगर आवश्यकता हो तो दे देना, बाकी ये पिताजी की अस्थियों को हरिद्वार गंगा मैया में प्रवाहित कर देना। पंडित जी ने कहा ठीक है। अब पंडित जी उन अस्थियों को लेके चले। जब वो चले तो बीच रास्ते में उनका गांव पड़े, तो उन्होंने सोचा चलो घर में कुछ खर्चे बर्चे के लिए पैसे मैं दे दूं फिर लेके चलूंगा अस्थियों को। तो पंडित जी चले तो एक पीपल के वृक्ष पर उन अस्थियों को टांग दिए, रुमाल जो था रुमाल से ढक के टांग दिए, और पंडित जी चले गए घर पे। तब तक गांव का जो मिस्तर होता है जो झाड़ू बहारू लगाते हैं वो आया। अब उसकी नजर पड़ी उस रुमाल पे। उस मिस्तर ने सोचा रुमाल तो बड़ी अच्छी है, ये हमारे बेटे के काम आएगी। उसने महाराज मारे एक डंडे मटके पर, अब मटका गया फूट, अस्थियां फूल सब वहीं पर विसर्जित हो गए। बढ़िया रुमाल लिया अपना बांध लिया सिर में। अब जब पंडित जी आए देखा कि ये तो सब समाप्त हो गया, ये आदमी फिर नहीं हरिद्वार पहुंच पाया। तो हरिद्वार में पंडित जी गए, सोचे चलो उसके नाम से कुछ दान पुण्य कर देंगे। तो हरिद्वार पहुंचे और पंडित जी जब वापस गांव आए तो जो मिस्तर था जिसने रुमाल बांधी थी अपने माथे पर, बेटा तो पहचान गया ये रुमाल तो हम लोगों ने ही बांध के दी थी मटके पे, ये इसके पास कैसे पहुंची? तो उस मिस्तर से पूछा कि भाई तेरे पास ये रुमाल कहाँ से आई? तो उस बेटे ने कहा कि ऐसी ऐसी घटना थी, कोई बांध के गया था तो हमने रुमाल उतार ली। अब जब पंडित जी आए, पंडित जी से बेटों ने पूछा और पंडित जी विसर्जित कर दिया, तो पंडित जी अब क्या करते? पंडित जी अभी कहने वाले ही थे तब तक वो मिस्तर दिख गया, वही रुमाल दिख गई। अब पंडित जी जान गए कि सारा करामात पता चल चुका है।
बेटों ने पूछा, महाराज पंडित जी इतनी बड़ी बेईमानी, आप झूठ बोले कि पिताजी की अस्थियों को आपने हरिद्वार में विसर्जित कर दिया। पंडित जी ने कहा, एक बात बता, मैं तो अकेला हूं। कहा हाँ। तुम चार चार बेटे हो? कहा हाँ है। तो जब तुम चार नहीं अपने बाप को हरिद्वार पहुंचा पाए, तो मैं अकेला पहुंचा सकता हूं क्या? महाराज ये कर्मों की खेती है, आप जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। धन जो है ना, धन का कहा गया, धन की तीन ही गति है, पहले भोग लीजिए, जो आपको ऐशो आराम करने कर लीजिए, दान कर लीजिए, और अगर इन दोनों में से नहीं किया तो विनाश हो जाना है। कोरोना के टाइम में बड़े बड़े अमीर, पैसे की कमी थी क्या? पैसे की कमी नहीं थी, पैसा लेके लोग रास्ते पे खड़े रहते थे, लेकिन किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, पैसा धरा का धरा रह गया। तो ये पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, भगवत भक्ति में वो धन लगे। देखिए, लक्ष्मी अगर आ रही है तो कहते हैं लक्ष्मी सिर्फ नारायण की है, लक्ष्मी को कोई अपने पास नहीं रख सकता है, और लक्ष्मी टिकेंगी कहां? जहां भगवान नारायण होंगे। तो जब आप दान करेंगे, जब भगवत भक्ति में लगाएंगे, किसी बेसहारे का सहारा बनेंगे, किसी दीन दुखिया की सहायता करेंगे, किसी संत की सहायता करेंगे, तब जाकर के लक्ष्मी आपके पास टिकेंगी। अर्थात लक्ष्मी नारायण जब दोनों संग में रहेंगे, तब जाकर के लक्ष्मी नारायण की कृपा होगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।